नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। शोएब इब्राहिम की डेब्यू फिल्म बटालियन 609 को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इस फिल्म ने वीकेंड कलेक्शन के तौर पर क्या कुछ धमाल मचाया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जनवरी का महीना है और देश प्रेम से भरी फिल्में आए दिन रिलीज हो रही हैं। ऐसा हमेशा से होता रहा, स्वतंत्रता दिवस हो या जनवरी में आने वाला गणतंत्र दिवस, फिल्मकार देशभक्ति से लबरेज फिल्में बनाकर उन्हें भुनाने का मौका नहीं छोड़ते। और इसी मंशा के साथ 11 जनवरी को शोएब इब्राहिम की फिल्म बटालियन 609 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। दर्शकों ने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया। फिल्म का बजट भले ही कम रहा हो, लेकिन शोएब इब्राहिम की एक्टिंग को फिल्म में काफी सराहा गया। फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान की सरहद से शुरू होती है, लेकिन सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आखिरकार इस फिल्म ने वीकेंड कलेक्शन के तौर पर कितना बिजनेस किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बटालियन 609 ने पहले दिन लगभग 1,20,00,000 की कमाई की थी, जबकि दूसरे दिन इस फिल्म ने लगभग 1 करोड़ कमाए थे। वहीं इस फिल्म ने वीकेंड कलेक्शन यानी कि संडे की छुट्टी का फायदा उठाते हुए 1,25,00,000 की कमाई की है, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 3 दिनों में ये फिल्म 3.5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान की सरहद से शुरू होती है, जहां दोनों देशों के जवान सीमा की रक्षा में अपने फर्ज को मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं। भारत की बटालियन 609 का कैप्टन कामराज मिश्रा यानी कि शोएब इब्राहिम है, जो कि देश प्रेम को लेकर बहुत ही जुनूनी और जज्बाती है। कामराज की बटालियन में उसका दोस्त इकबाल कुरैशी भी बेहद मुस्तैद है। इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प होती है और दोनों सेना के कैप्टन आपस में क्रिकेट मैच खेलने का फैसला करते हैं। तय होता है कि जो मैच हारेगा उसे अपने देश की जमीन में से 18 किलोमीटर की जगह देनी होगी। कामराज अपने सीनियर्स की गैर जानकारी में ये फैसला लेता है और फिर उसे तालिबान के साथ साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि शोएब इब्राहिम की इस फिल्म को उनकी पत्नी दीपिका कक्कड़ ने भी जमकर प्रमोट किया था। जी हाँ, बिग बॉस 12 को जीतने के बाद दीपिका कक्कड़ को जब जब मिला पति शोएब की इस फिल्म को प्रमोट करने का मौका, वो जमकर शोएब और इस फिल्म की तारीफें करती नजर आई। और अब जब इस फिल्म ने कुल मिलाकर लगभग 3 दिनों में 3.5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।